ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा फिटर फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिटर ट्रेड थ्योरी आईटी फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो आज हमारी क्लास होगी वो दूसरी क्लास होगी, जिसकी पहले की वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब के अपने प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे जो है फिटर थ्योरी के नाम से आपका जो है फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर के आप इसके पहले की वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। प्लस जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, उसका अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हैं फ्री में वो भी, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, www.globalit.org। इस वेबसाइट पर आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। इस बार हम लोग पीडीएफ पे थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं। चेंजेस का मतलब है कि इस बार हम लोग पीडीएफ में आप लोग जो आंसर होगा ना, पहले के क्या पीडीएफ होते थे कि जो आंसर होता था वो बिल्कुल लास्ट में होता था, तो जैसे जो बच्चे मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं तो प्रिंट करवाना पड़ता था, मोबाइल फोन में यूज नहीं हो पाता था। कहने का मतलब है कि आपने आंसर देखा, सॉरी क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखने के लिए फिर लास्ट में नीचे जाओ तो दिक्कत होती थी, तो इसलिए इस बार हम लोग क्या करें कि जो क्वेश्चन है ना उसके साथ में ही उसके नीचे उसका आंसर लिख करके देते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप मोबाइल फोन में भी बिल्कुल आसानी से उस पीडीएफ को देख पाओगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको अपने गूगल में सर्च कर लेना जनरली क्या ग्लोबल आईटी, ऐसे नॉर्मली आपको ग्लोबल आईटी सर्च करना है। सबसे पहले ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा और जो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, हमारे बारे में नई अपडेट, नॉर्मली आपको नहीं दिखाई देंगे अगर आप फोन में यूज कर रहे हैं। वो कैसे आएगा ये वाला ऑप्शन, तो उसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में तीन लाइनें आपको दिख रही है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आपको आईटी कोर्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आईटी कोर्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, इंप्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। बाकी अगर आप जैसे अदर सब्जेक्ट जैसे इंप्लॉयबिलिटी स्किल का पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, टेस्ट देना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग है, तो उसके लिए आप इन पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी फिटर थ्योरी पे आप क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा, नीचे आपको स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे दो ऑप्शन मिलेगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे इस तरह से नया टैब ओपन हो जाएगा, फिर नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे है ना फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा, तो अभी नया वाला अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट के नाम से नया वाला मैं यहाँ बाहर ही अपडेट कर दूंगा। अगर आप अभी आप तुरंत देखना चाह रहे हैं तो अभी करिकुलम वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ नीचे आप स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे मिलेगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इस चीज को करिकुलम में आप आकर के अभी देख सकते हैं, और भी टेस्ट पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं जल्दी इसको यहाँ ओवरव्यू जो लिखा हुआ है मतलब नॉर्मली आपको यहाँ बाहर ही अपडेट करवा दूंगा, जिससे कि आपको इधर उधर ऑप्शन में परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट कैसे देना है, उसका रिजल्ट कैसे देखना है, दोबारा टेस्ट रिटेक कैसे करना है, ये जानना है अगर आपको, तो पहली वाली वीडियो देख लीजिए, जो पहला पार्ट मैंने करवाया है ना इस फर्स्ट ईयर वाला, तो पहले पार्ट में मैंने 10 मिनट स्टार्टिंग में यही बताया हुआ है कि टेस्ट को कैसे देना है, रिजल्ट कैसे देखना है और रिटेक वगैरह कैसे करना है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको टेस्ट देने वाली प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, आग लगने के तीन कारक क्या है। आग लगने के तीन कारक क्या है, मतलब किन तीन वजहों से क्या होने चाहिए कि जिससे कि आग लगे, क्या तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने ढेर सारे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, मतलब आपके पास ईंधन होना चाहिए, उष्मा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, आप नॉर्मली सोचिए कि अगर आपको कहीं पे आग जलाना है, ठीक है, आप भाई आग जलते हुए तो आप लोग हमेशा देखते होंगे, तो आग अगर हमें जलाना है तो उसके लिए बेसिक हमें क्या जरूरत पड़ती है, मतलब हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि आग जल सके या आग लग सके। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है ईंधन, ईंधन मतलब इंग्लिश वाला ऑप्शन देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या हो गया आपका, फ्यूल, ईंधन, ईंधन का मतलब हो गया जैसे लकड़ी हो गया आपका, जो चीज जलेगी, लकड़ी, कागज, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, गैस, कुछ भी ले लीजिए जिसको जलाया जाएगा, लकड़ी, कागज हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, मतलब कुछ भी जो चीज जलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। तो ईंधन होना चाहिए, सीधी सी बात है, जैसे आपके पास लकड़ी, कागज, तेल, कुछ ईंधन होगा ही नहीं तो आप जलाओगे किसे, मतलब आपके पास ईंधन होना जरूरी है, पहले चीज तो ये होगी। दूसरी, अब ईंधन होगा अगर सिर्फ आपको ईंधन दे दिया जाए, बोला जाए आग लगा दो, तो कैसे आग लगाओ, कोई जादूगर तो हो नहीं कि जादू मार दोगे और आग लग जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। आप घर पे आग कैसे लगाते हो, कोई भी आपके कागज में आग लगाना हो, लकड़ी में आग लगाना हो, ठीक है, तो आपका माचिस यूज करते हो। माचिस क्या करता है, माचिस हीट जनरेट करता है, मतलब माचिस जब
रगड़ खाता है तो उसमें आग लग जाती है, और वह क्या करता है, जो हमारा ईंधन है, जो कागज है, लकड़ी है, उसको गर्म करता है। तो हर एक चीज का एक टेम्परेचर होता है जिस पर वह आग पकड़ लेता है, उनका टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पे पहुंचने पर उस चीज में आग लग जाएगी, वह आग पकड़ लेगा अगर उतना गर्म हुआ तो माचिस वही काम करता है, उसके टेम्परेचर को उस लेवल तक पहुंचाता है जहां पर उसमें आग पकड़ सके, जिससे वह आग पकड़ ले। तो माचिस क्या किया, हीट का क्या काम किया, उष्मा का काम किया, किसका, हीट, उष्मा, और यह फ्यूल क्या हो गया आपका, ईंधन हो गया जिसको हम लोग जलाएंगे। तो यहाँ पे उष्मा का काम क्या, किससे हमने किया, माचिस से किया, माचिस से जला करके हमने इस ईंधन के हीट को बढ़ाया जिससे कि उसमें आग लग सके। लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों से काम नहीं बनेगा कि आपको कोई ईंधन दे दे और आप माचिस ले लो आप जला लोगे आग पकड़ लेगा, नहीं, आग कब पकड़ेगा, जब इसके साथ साथ आपको एक और चीज की जरूरत पड़ती है, क्या, ऑक्सीजन, इसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन मतलब नॉर्मल जो हवा है, यह भी हमारा ऑक्सीजन के काम करता है, आप ऑक्सीजन लेते हो तो अभी तो जिंदा रहते हो, तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि नहीं जो सिलेंडर में ऑक्सीजन भर रहा होता है वही ऑक्सीजन होता है भाई, तब तो आप कैसे जिंदा रहते हैं, हम भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं, जो वायुमंडल में जो वायु है वह भी हमें ऑक्सीजन का काम करती है हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए जब हम कोई कागज पे माचिस से जलाते हैं तो आपके दिमाग में तो ये आता होगा कि यार ये कागज हो गया मतलब ईंधन हो गया, और मैंने माचिस मतलब इससे हीट जनरेट किया तो कागज में आग पकड़ लिया, मतलब कागज था और हीट था दो ही चीज से मैंने आग लगा दी। एक तीसरी भी चीज जो हमेशा उपस्थित रहती है उसको लोग ध्यान नहीं दे पाते, वो क्या होता है, ऑक्सीजन, या कह लीजिए जो वातावरण में वायु उपलब्ध है, अगर वायु नहीं होगा वह ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग कभी भी नहीं लगेगी। आपने पहले हाई स्कूल वगैरह में और साइंस वगैरह में पढ़ा रहा होगा कि अगर कोई दिया जल रही है, कोई दिया अगर जल रही है और उसको ढक दिया जाए, कोई बड़ी दिया लेकर के या कोई बड़ा गिलास लेकर के, अगर कोई दिया जल रही है कोई गिलास ले लीजिए और उससे उसको ढक दीजिए और जमीन बिल्कुल समतल हो, जब ढकेंगे तो क्या होगा, ग्लास जब उस दिए को ढकेगी तो उसमें वायु जाना बंद होगा, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा, मतलब उसको वायु नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगा मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उस केस में दिया बुझ जाती है। ये वाला देखते हैं कि भाई जब हम ग्लास से ढक दिए तो दिया बुझ जाती है, क्यों बुझ जाती है, क्योंकि वहां पे उष्मा तो था, ईंधन तो था, लेकिन उससे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया जिस वजह से वह बुझ गई। तो इसका मतलब आग लगने के लिए हमें ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर ये तीनों चीजें उपस्थित है तभी आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो ये आग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आग कैसे लगेगी, आग लगने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होगा, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, क्योंकि सेकंड में देखिए ऑक्सीजन है, ईंधन है, नाइट्रोजन है, क्या क्या है, ऑक्सीजन है, ईंधन है, नाइट्रोजन है, भाई ऑक्सीजन है अच्छी बात है, ईंधन भी है अच्छी बात है, नाइट्रोजन, अब ताप रहेगा ही नहीं, मतलब इसके इस जो हमारा ईंधन है इसको इसके जलने वाले लेवल तक, फायर लेवल तक पहुंचाने के लिए जब ताप ही नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे, तो ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। अगले वाले में देखिए उष्मा दे रखा है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उष्मा भी उपस्थित है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन आप आग लगाओगे किसमें, ईंधन भी तो होना चाहिए, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें देखिए ईंधन है, उष्मा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखकर भी आप समझ सकते हैं कौन सा सही होगा, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत ऑप्शन टिक कर लोगे। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे जब आग लग रही है, आग लगाई जा रही है, तो आग बुझाने की भी बात होगी, तो आपने पढ़ा होगा फायर एक्सटिंग्यूशर, हमने पीछे के पार्ट में सॉल्व किया था फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्यूशर से तो आग बुझाते हैं, पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। क्या चीज, चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जैसे ईंधन था, उष्मा था, ऑक्सीजन था, तीन चीजों से आग लगी है, तो जनरली एक और तरीका तो हो सकता है आग बुझाने का, क्या आप दिमाग में सोचिए कि भाई अगर ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन ये तीनों मिल करके आग लग रहा है, अगर हम इन तीनों में से किसी एक को बाहर निकाल ले तो वह आग बुझ जाएगी, सीधी सी बात है भाई, इन तीनों को मिलाने पर ही तो आग लगा, अगर मैं इन तीनों में से किसी एक चीज को बाहर निकाल लेता हूं, इसका तात्पर्य यह है कि वह आग क्या होगी, बुझ जाएगी, मतलब अगर मैं आग जल रही उसमें से ऑक्सीजन हटा दो तो जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तुरंत आग बुझ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि तीन विधियों के द्वारा हम आग बुझा सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि इस चीज में आग लगाने में तीन चीजें उपस्थित थी, तो अगर हम इनमें से कोई एक चीज निकालेंगे तो आग बुझ जाया करेगा, तो उस हिसाब से उसका नाम दिया गया। जैसे अगर आग जल रही है, ये तीन ईंधन है, उष्मा है और ऑक्सीजन है, इसकी वजह से आग जल रही है, और हम क्या करें उसमें से ईंधन को हटा दें, मतलब जिसमें आग जल रही थी जिसकी वजह से लकड़ी में आग लगी, हम लकड़ी हटा दें, तो फिर आग कहां जलेगी, आग जलेगी नहीं, आग बुझेगी, आग नहीं रहेगी। तो फिर ईंधन को जब हटाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्टारविंग, क्या बोलते हैं, स्टारविंग, स्टारविंग को हिंदी में भूखमरी भी बोला जाता है, एक तरह से क्या, भूखमरी, भूखमरी मतलब खाने को ही ना मिले,
ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा, मतलब ईंधन मेन हो गया ना, ईंधन ही तो जल रहा था तो वही चीज हमने हटा लिया, मतलब आग को हमने भूखा मार दिया, जिस चीज से वह जल रहा था हमने उसके ईंधन को हटा लिया, तो इसीलिए इसको स्टारविंग बोला जाता है कि अगर कोई कहीं पे आग लगी हुई है और उसमें से हम ईंधन को हटा करके आग को बुझाते हैं तो उस प्रोसेस को स्टारविंग बोला जाता है। हिंदी याद रखोगे भुखमरी तो थोड़ा याद रहेगा कि भुखमरी मतलब भूखा मरेगा कब, जब उसका ईंधन उसका फ्यूल ही ले लेंगे तब, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, उष्मा, यहां देख लेंगे आप उष्मा, अगर हम आग में से क्या करें उष्मा को हटा दे, उष्मा कैसे, उष्मा को हटाना मतलब उष्मा को कम करना, अगर कोई चीज गर्म है जल रही है और उसको उष्मा को कम कर दे, कम कैसे होगा जब वो ठंडा होगा भाई, अगर उष्मा कम होगा इसका मतलब वो चीज क्या ठंडा हो रहा है, इसका मतलब इस प्रोसेस को कूलिंग बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कूलिंग। अगर हम आग को ठंडा करके बुझाते हैं मतलब टेम्परेचर को कम, ठंडा करके बुझाने का मतलब उष्मा को निकाल लेना उसमें से, यही बात ना भाई, उष्मा निकल जाएगी तो ठंडा हो जाएगा, तो उस चीज को कूलिंग बोला जाएगा कि हमने सिर्फ कूलिंग के द्वारा ठंडा करके आग को बुझा दिया, ठीक है। अगर हम उसमें से ऑक्सीजन को निकाल ले, सारी बात समझ में, स्टारविंग कूलिंग और ऑक्सीजन को निकालने का मतलब है, तब हम उसे बोलते स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है हवा को रोकना, क्या होता है वायु या हवा को रोकना, कहने का मतलब है जहां पे आग जल रही है अगर हम वहां पे हवा को ना जाने, जैसा कि मैंने बताया दिया जल रही है ग्लास से ढक दीजिए हवा नहीं मिलेगा वह बुझ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वही चीज अगर हम ऑक्सीजन को ही रोक दे तब भी आग बुझ जाएगी, तो अगर हम ऑक्सीजन को रोक करके आग को बुझाते हैं तो उस प्रोसेस को स्मूथरिंग बोला जाएगा। अगर हम हीट को कम करके मतलब हीट को निकाल करके या उसे ठंडा करके बुझाते हैं तो उस प्रोसेस को कूलिंग बोला जाएगा। और अगर हम आग को उसमें से ईंधन ही निकाल करके बुझा दे, जो चीज जल रही थी उसको हटा दे तो ना ईंधन रहेगा ना जलेगा, तो उस प्रोसेस को स्टारविंग बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज थी, इसको भी मैंने आपको बता दिया, ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके आगे एग्जाम वगैरह में काम आएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, गोल्डन आवर्स मतलब सुनहरा घंटा, ठीक है, सुनहरा का मतलब है कि भाई गोल्डन आवर्स, ठीक है, कि फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, मतलब घटना के बाद के पहले 30 मिनट, कोई दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है तो घटना होने के बाद जो तुरंत 30 मिनट होता है उसको गोल्डन आवर्स बोला जाता है, या पहले 30 मिनट, देखिए कह रहा है पहले 30 मिनट, कौन सा पहला 30 मिनट, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। प्रवेश के पहले 45 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशन, मतलब एडमिट होने के बाद आप हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं तो एडमिशन से पहले का जो 45 मिनट है कह रहा है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये भी सही नहीं है। उपचार के बाद का पहला 7 मिनट, भाई उपचार हो जाएगा जब आपका तो उसके बाद जो पहला 7 मिनट होगा तो वो गोल्डन आवर्स कहने का कोई मतलब नहीं, गोल्डन आवर्स का मतलब है घटना के बाद का पहला 30 मिनट, जब दुर्घटना होती है, जब किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो शुरू का आधा घंटा होगा ना वह उस मरीज के लिए कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि भाई उस समय जितना जल्दी वह हॉस्पिटल पहुंचेगा उतना जल्दी उसका इलाज शुरू हो सकता है और उसके बचने की संभावना उतने ही ज्यादा होगा। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, अक्सर सुनने को मिलता है, मूवी देखती है ना, तो नहीं होता कि थोड़ा सा लेट हो गया, अगर आप आधे घंटे पहले आए होते तो मैं इनको बचा लेता, कहने का मतलब है कि आप जब दुर्घटना होता है उसके बाद जितना जल्दी आप पहुंच जाओगे हॉस्पिटल उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा उस रोगी के लिए, उस मरीज के लिए जिसका दुर्घटना हुआ है, ठीक है। तो वह क्या चीज हुआ कि घटना के बाद जो पहला 30 मिनट है आपकी दुर्घटना हुई उसके बाद का जो स्टार्टिंग का 30 मिनट था उस समय हमारे लिए जो होता है उसी को ना गोल्डन आवर्स कहते हैं, यह सुनहरा घंटा होता है, गोल्डन आवर्स होता है घटना के बाद का 30 मिनट, उस समय बहुत ही मतलब एक एक मिनट बहुत ही कीमती होता है, जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला कह रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पर दुर्घटना से कैसे बचा जाए, उसके लिए सबसे पहले स्टेप की बात कर रहा है। जैसे भाई बचने के तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप एप्रन पहन लोगे, आप सेफ्टी उपकरण पहन लोगे, आप ये काम करोगे, सबसे चीज ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है जो जरूरी होती है, पहला कदम दुर्घटना से बचने के लिए हम कौन सा अपनाते हैं, कौन सी चीज जरूरी है, ठीक है। तो सुरक्षा उपकरण पहनकर, देखिए सुरक्षा उपकरण पहनकर दुर्घटना से बचा जा सकता है, लेकिन क्या यह पहला स्टेप है, नहीं पहला स्टेप नहीं है, क्यों नहीं है अभी मैं बताऊंगा। चीजों को अपने तरीके से करना दूसरे ऑप्शन में कह रहा है, भाई चीजों को आप अपने तरीके से करोगे तो क्या आप दुर्घटना से बच पाओगे, ये तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। अपने तरीके से करना मतलब कि कहीं मान लीजिए वायर खुला हुआ है
या फिर कहीं पे ट्रांसफार्मर है, आप वर्कशॉप में गए हो, कहीं पे तार खुला हुआ है, बड़े ट्रांसफार्मर लगे, वहां लिखा हुआ है कि इस तार को छूना मना है, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं यार मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, इनके कहने से आप जाके तार को पकड़ लोगे, तो फिर वही काम खत्म हो जाएगा। तो वहां पर क्या आप दुर्घटना से बच पाए? नहीं, आपने दुर्घटना को बुलावा दिया। तो अपने चीजों को आप अपने तरीके से नहीं कर सकते, वहां पे क्या लिखा हुआ, वहां पे क्या नियम कानून है, आप उसके हिसाब से रहोगे तब दुर्घटना से बच पाओगे। जैसे भाई बाइक पे होता है ना कि आपको हेलमेट लगा कर चलना है, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, अगर आप इन सब चीजों का पालन नहीं करते तो आप दुर्घटना को बुलावा दे रहे हो। ठीक है, तो आपको पहले उन पर फोकस करना, आप अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकते। अगला है सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। देखिए सुरक्षा सावधानी का पालन करना सबसे मेन चीज यही होता है। आप जब भी देखोगे, आप प्रैक्टिकल वगैरह भी कॉलेज में लिखवाया जाता होगा, कराया जाता था, सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखवाया जाता है, सुरक्षा सावधानियां लिखवाई जाती हैं, क्योंकि सबसे जरूरी दुर्घटना से बचने का सबसे पहला कदम यही है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। मतलब आपको सुरक्षा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, जो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन, जो सुरक्षा सावधानियां बताई गई है उसका पालन कीजिए। सुरक्षा सावधानी में ही आपको बताया जाएगा कि आपको जो है वर्कशॉप के अंदर शूज पहन करके जाना है, आपको अपना हेलमेट पहनना है, आपको सुरक्षा उपकरण पहनना है। यह किसमें बताया गया? सुरक्षा सावधानी में बताया गया। तो पहला कदम यह हुआ ना, यह तो दूसरा कदम हुआ कि आप जब सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप सुरक्षा उपकरण पहनेंगे। तो पहला कदम क्या हुआ? सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। उसमें बताया जाएगा कि आप वर्कशॉप में जाना है तो शूज पहन के जाना, एप्रन पहन के जाना है, आपको हेलमेट लगाना है, आपको सुरक्षा उपकरण पहनने हैं। तो कौन बताएगा? सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तब आपका काम होगा। तो ये आपका पहला कदम हो जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना, यह भी चीज ठीक है, आपको दुर्घटना से बचाएगी, लेकिन यह पहला स्टेप नहीं है। यहाँ पे पहले स्टेप की बात किया था, पहला कदम की बात किया था। तो सबसे पहले चीज जरूरी है कि हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करें जो हमें बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यहाँ पे सिंबल दिखा रखा है, हालांकि हमने पीछे के क्वेश्चन में आपको करवाया था, इसीलिए मैंने बताया था ना आपको कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, उसके साथ साथ सारे ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको फील होगा कि हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन एक्चुअल में आप 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, और फायदा क्या हुआ कि देखिए एक ऑप्शन में था, इसलिए मैंने इसका फिगर भी दिखाया था। जिन लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट अच्छे से देखा होगा, अब तक वो इसका आंसर भी टिक कर चुके होंगे, इसलिए हम लोग सारे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ताकि बाद में अगर वो क्वेश्चन पलटता है, कोई ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है, तो कोई दिक्कत ना आए। तो यह किसका सिंबल है? तो यह किसका है? गिवअवे का है, रास्ता दें, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जहां पर ये सिंबल होता है तो वहां पे होता है कि भाई आपको रास्ता देना है, मैंडेटरी सिंबल के अंदर गता था कि अगर लिखा हुआ है गिवअवे तो आपको रास्ता देना ही है, आप गाड़ी को साइड लगाइए, रास्ता दीजिए, आपको रास्ता देना पड़ेगा। स्टॉप और स्टॉप का जो आपको ये वाला है, ये हो जाएगा स्टॉप का सिंबल। ठीक है, त्रिभुज बना के ब्लैंक रहता है अंदर। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ आपके फिगर दिया हो, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए ले रखा है। तो स्टॉप वाला जो होता है, मतलब कहीं पे ये सिंबल बना हुआ है इस टाइप से, तो आपको वहां पे रुकना ही है। आप जा रहे हो रोड पे, ऐसा साइन बना हुआ है कहीं पे, ट्रैफिक पे, चौराहे पे, तो आप वहां पे तुरंत रुक जाओगे, आप वहां से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिंबल मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। मैंडेटरी सिंबल का मतलब होता है कि वह काम आपको करना ही है, वह समझ लीजिए आपको एक तरह से आदेश दिया जा रहा है कि नहीं आपको ये करना है, आपको उसका पालन करना है, आप उसे टाल नहीं सकते। तो जहां पे सिंबल बना होता है स्टॉप, मतलब आपको वहां पे रुकना ही है, जहां पे गिवे है तो वहां पे आपको रास्ता देना है, तो ये मैंडेटरी सिंबल के अंतर्गत आते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग, तो ये भी हमने पीछे बात किया था कि इस टाइप से होता है कि एक देखिए यहाँ पे पट्टी टाइप की खींची गई है और एक लड़का पैदल जाते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब पैदल चल रहा है, तो पैदल चलने वालों का मार्ग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है आपका एक तरह से। ठीक है, ये आपको वार्निंग सिंबल के अंतर्गत आता है, ये आपको क्या चेतावनी देता है, क्या करता है, चेतावनी देता है। तो चेतावनी के अंदर कि भाई यहाँ पे पैदल चलने वालों का मार्ग है, आप रुक जाइए, या जो मतलब बाइक चालक है या ड्राइवर है या यात्री हैं जो पैदल चलने वाले हैं या जो साइकिल से चलने वाले, उन्हें क्या करेगा, उन्हें यह वार्निंग देगा कि भाई आप कार से जा रहे हो तो आपको वार्निंग देगा कि यहाँ पे पैदल चलने वालों का मार्ग है, यहाँ पे आप सावधान रहिए। ये वार्निंग सिंबल होते हैं कि जो आपको चेतावनी दे, वार्निंग दे। ठीक है, लास्ट है ओवरटेकिंग, मतलब ओवरटेकिंग निषेध, उसका सिंबल यह वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, एक दिखाया गया कि यह सीधा जा रहा है, दूसरा इसको ऐसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक गाड़ी जा रही होती है रास्ते पे एक गाड़ी जा रही होती है तो दूसरी गाड़ी इसके पीछे होती है, तो जब इसकी स्पीड इस वाली गाड़ी से ज्यादा होगी तो ये क्या करता है, इसको ओवरटेक करता है, मतलब इसके बगल से निकल करके फिर इसके आगे आके चलने लगता है। तो आप ऐसा ओवरटेकिंग भाई नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं पे रोड पे इस टाइप का सिंबल बना हुआ, जहां पे ये वाला सिंबल कि यह गाड़ी का देखिए दिखा रहा है कि एक गाड़ी जा रही है, दूसरा इसको एरो इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब ओवरटेक करना चाह रहा है, लेकिन ओवरटेकिंग को इन्होंने ऐसे काट दिया है,
कि नहीं ओवरटेकिंग नहीं करना, मतलब अगर कहीं पर ये सिंबल बना हुआ है तो उस केस में आप इस गाड़ी के पीछे ही चलोगे, इसको ओवरटेक नहीं करोगे। यह सिंबल भी जो होता है हमारा किस में आता है, मैंडेटरी के अंतर्गत आता है, अनिवार्य के अंतर्गत आता है। ये वाला सिंबल, यह वाला सिंबल और यह वाला, मतलब स्टॉप, गिव वे और यह जो ओवरटेकिंग, ये तीनों किसके अंतर्गत आता है, मैंडेटरी के, मतलब ये जहां पे सिंबल बने हुए वो काम आपको करना ही है, अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी, जिनको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। देखिए, जो भी हमारी बेकार कागज, मतलब जो भी अपशिष्ट मटेरियल होते हैं, खराब चीजें होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, कूड़े के डब्बे में रखते हैं। तो हर एक कूड़ा अलग अलग, जैसे हो ना, कागज अलग हो, कांच अलग हो, नहीं तो क्या होगा भाई, एक ही डब्बे में अगर आप उसी में कागज भी डाल दे रहे हो, उसी में कांच भी डाल दे रहे हो, उसी में आप मेटल भी डाल दे रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि कोई पता चला कागज को निकाल के सोचे कि हम उसको जला दे, तो हाथ डालेगा और पता चलेगा कांच उसके हाथ में चुभ जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। ठीक है, और फिर उन्हें जलाने में, या जैसे भाई कागज को आप जला दोगे वो खत्म हो जाएगा, पर शीशा को जला के तो खत्म करोगे नहीं, उसे कहीं पर मिट्टी में दफनाओगे, तो इन्हें अलग करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो उनके निपटाने की विधि जो होती है अपशिष्टों को, तो उसके लिए भी हमें आसान होता है अगर हम उन्हें अलग अलग डब्बे में रखें। इसीलिए इन बेकार मटेरियल जो होते हैं, बेकार कागज का यहाँ पे उन्होंने पूछ रखा था, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उनको रखने के लिए अलग अलग डिब्बे बनाए गए, उनकी कोडिंग की गई, जिससे कि हर एक आदमी समझ सके कि हमें किस चीज को, किस बेकार वस्तु को, किस वेस्ट मटेरियल को किस डिब्बे में रखना है। तो उसके लिए कुछ कलर कोडिंग है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे लाल, लाल किसके लिए होता है, लाल जो होता है हमारा मेटल के लिए होता है। किसके लिए, मेटल के लिए, मेटल मतलब धातु। अगर आपके पास खराब मेटेरियल धातु पड़ा हुआ है, खराब हो गया है, मतलब खराब धातु है, जंग लगी हुई है, तो उसको आप जो लाल कलर का डब्बा होगा, डस्टबिन का जो डब्बा होगा, अगर वो रेड कलर का है, लाल कलर का है, तो उसके अंदर आप रखेंगे। ठीक है, नीले वाले में क्या रखेंगे, तो नीले वाले में कागज रखते हैं, क्या रखते हैं, कागज। खराब कागज आप फाड़ के फेंक रहे हो तो उसको कौन से डब्बे में रखोगे, तो जिस डब्बे का कलर नीला होगा उसमें कागज रखा जाएगा। काला, खाद्य सामग्री, अगर आप कोई खाने वाली सामग्री फेंक रहे हो, खराब हो गई है, तो वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है, तो उसे हम किस में रखेंगे, खाद्य सामग्री वाले में। ब्लैक कलर का अगर डब्बा है, डस्टबिन है, तो जो खाद्य सामग्री हमारी है, जो खाने वाली चीजें हैं, अगर वह खराब हो गई है, तो उसको हम ब्लैक कलर वाले डिब्बे में रखेंगे, उसमें फेंकेंगे, कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, उसके बाद है ग्रीन, हरा, तो हरा वाला अगर डब्बा है, तो उसमें उसमें कांच रखा जाता है, क्या रखा जाता है, कांच, कांच के टुकड़े हैं, तो उन्हें हरे कलर के डस्टबिन में रखा जाएगा। एक दो और भी कलर है जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि पीला, पीला कलर किसके लिए होता है, और एक होता है स्काई ब्लू, आसमानी नीला। नॉर्मल नीला है तो कागज, और अगर स्काई ब्लू है, आसमानी नीला है, तो इन दोनों के लिए भी बता देते हैं। तो पीला जो होता है प्लास्टिक के लिए होता है, अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल किसका है, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल है, तो उसे पीला कलर के डस्टबिन में रखेंगे। और स्काई ब्लू जो होगा, यह किसके लिए है, तो यह अन्य सामग्री के लिए है, कि इनके अलावा, जो मैंने नाम बता दिया, इनके अलावा कोई अन्य सामग्री आपके पास है वेस्ट मटेरियल के रूप में, तो उसको आप स्काई ब्लू कलर के डब्बे में रखेंगे। आदमी समझ जाएगा कि इसमें मिक्स टाइप का अलग अलग हो सकता है, और बाकी के लिए मैंने कलर कोडिंग बता दी, तो उसमें रखा जाता है। ठीक है, अब इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। थोड़े बहुत मैं एक आध ट्रिक बता देता हूं, जैसे आपको कुछ याद है, जैसे लाल वाला है ना, तो देखिए लाल, अगर आप धातु को गर्म करेंगे, मेटल जो होता है, धातु गर्म करते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाता है ना, तो इससे आपको याद रहेगा कि भाई लाल है तो धातु को गर्म करने पर लाल हो जाता है, मतलब लाल वाले में धातु रखी जाए। याद रहेगा ना कि भाई धातु को गर्म करते हैं, कोई भी लोहा गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, तो धातु गर्म करते हैं, इसका मतलब उसे लाल वाले में रखेंगे। वैसे ही काला वाला भी आसानी से याद हो सकता है, आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो आजकल मार्केट में, आप फल वगैरह कुछ भी लेने जाते हो, तो काली पॉलिथीन में देते हैं ताकि वो दिखे ना, भाई आप सेब खरीद रहे हो, अंगूर खरीद रहे हो, ठीक है, खाने वाली चीजें हैं, कुछ लोग कुछ और भी टाइप की चीजें खरीदते हैं, तो क्या ब्लैक पॉलिथीन में होता है, जिससे कि जो आपकी खाने वाली सामग्री है वो दिखाई ना दे, कोई देखे ना, ठीक है, छुपा के ले जा सको आप। तो खाने वाली सामग्री हमें किसमें, काली पॉलिथीन में मिलती है, तो यहां से भी याद रहेगा कि जो काला वाला डब्बा है वो खाद्य सामग्री के लिए है। तो दो आसानी से याद रहेगा। एक और प्लास्टिक वाला देखिए, प से पीला है और प से प्लास्टिक है, प से पीला है और प से प्लास्टिक है, तो पीला कलर वाला किसमें रखेंगे, प्लास्टिक वाले को पीला कलर वाले में रखेंगे। तो इस तरह से दो तीन याद रहेगा, दो तीन इस तरह से अपना नॉर्मल याद कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन देखकर भी तीन पता रहेगा तो चौथा अपने आप पकड़ा जाया करेगा, तो इससे थोड़ा आपको आसानी होगी ऑप्शंस को पहचानने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ, कागज की बात किया था तो ब्लू वाला हो जाएगा, नीला वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
अगला कह रहा है यह रोड साइन किस तरह का है। यहाँ पे देखिए दिखा रखा है, यहाँ पे एक सिंबल इन्होंने बना रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नीचे लिखा हुआ है पेट्रोल पंप लिखा हुआ है। हालांकि आपको यहाँ सिंबल में भी दिख रहा होगा कि पेट्रोल पंप बना हुआ और एरो दिखाया गया, मतलब कहीं अगर रोड पे पेट्रोल पंप बना करके एरो उधर दिखा गया तो आप समझ जाओगे कह रहा है कि उधर क्या है, पेट्रोल पंप है। उसके आगे देख रहे हैं इस टाइप से है और बोर्ड लगा हुआ और दिखा रहा है कि इस रास्ते से जाएंगे दिल्ली जाएंगे, इधर भी दिल्ली जाएंगे, इधर भी दिल्ली जाएंगे। हालांकि रोड पे ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा उन्होंने सिंबल ठीक से बनाया नहीं है। जैसे इधर दिखा रहा कि इधर जाएंगे दिल्ली चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो हरियाणा चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो मेरठ चले जाएंगे, इस टाइप से। ठीक है, ये मेरठ चला जाएगा या रास्ता, या हरियाणा चला जाएगा आपका, या दिल्ली चला जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया, रास्ते को बताया। जनरली रूट पे आप जाते हैं वहां भी देखते हैं ना, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उस पे एरो बना होता है कि इधर जाएंगे बनारस, इधर जाएंगे गाजीपुर। तो वो क्या कर रहा है आपको, वह आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको सूचना दे रहा है ना कि भाई इधर जाएंगे तो गाजीपुर, इधर जाएंगे तो बनारस। जैसे यह क्या आपको सूचना दिया ना कि इधर दिल्ली जाना है, इधर दिल्ली जाना है, या तो इधर दिल्ली इधर मेरठ निकल जाना है। तो यह सिंबल क्या कर रहा है, आपको सूचना दे रहा है। वैसे यह भी क्या कह रहा है, आपको बता रहा है कि उधर आगे पेट्रोल पंप है। तो यह सिंबल भी आपको क्या किया, सूचना दिया। सूचना का मतलब, सूचना का चिन्ह, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन। यह किसके है, इंफॉर्मेशन साइन है, आपको सूचना दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई इधर किस रूट पे जाओगे, इधर जाओगे कहां पहुंचोगे, या बता रहा है कि इधर पेट्रोल पंप है। तो इसने आपको इंफॉर्मेशन दी, सूचना दी, तो सूचना का चिन्ह हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन हो जाएगा। ठीक है, कॉशनरी साइन सावधानी का संकेत क्या होगा, देखिए पुलिस सिग्नल तो इसमें है नहीं। ठीक है, कॉशनरी साइन सावधानी का संकेत, जो आपको सावधान करे, या फिर कह लीजिए वार्निंग भी कह सकते हैं, सावधान करना, वार्निंग चेतावनी। ठीक है, सावधान करना या फिर चेतावनी भी कह सकते हैं, चेतावनी वार्निंग सिंबल भी कह सकते हैं, वार्निंग साइन भी कह सकते हैं, कॉशनरी साइन भी कह सकते हैं, जो आपको चेतावनी दे, जो आपको सावधान करे। ठीक है, वह कौन सा है, तो मैंने बताया जैसे वाला, जैसे यह क्या बता रहा है कि यह पैदल चलने वालों का मार्ग है, क्या बता रहा, पैदल चलने वालों का मार्ग है। यह बता रहा है कि यहाँ आगे स्कूल है, तो आप अपनी कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, मतलब आप अपना धीमा कर लीजिए, आगे स्कूल है। यह बता रहा है कि भाई यहाँ पे गार्ड उपस्थित है, गार्डेड है। यह बताएगा ट्रेन जा रही है तो अनगार्डेड है। यह सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कौन सा किसका सिंबल है। तो यह सब क्या कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं। यह जो सावधानी वाला संकेत होता है, जो आपका कॉशनरी साइन है, जिसे वार्निंग सिंबल भी कह सकते हैं, यह यूज होता है जो यात्री चल रहे हैं, जो बस चालक है, जो कार ड्राइवर है, पैदल चलने वाले यात्री हैं, उनके लिए यह सावधानी का संकेत होता है, चेतावनी का संकेत होता है, जो उन्हें सावधान करता है कि भाई ये पैदल चलने वालों को मार्ग है, आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, आपको उन्होंने सावधान किया। ठीक है, यहाँ आगे स्कूल है, आप धीरे चलिए। जब बस चालक जा रहा है तो बता रहा है कि भाई यहाँ पे रेलवे फाटक है, यहाँ पे गार्ड उपस्थित है, यहाँ पे गार्ड उपस्थित नहीं है, आप अपना खुद देख करके क्रॉस कीजिए। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, तो सावधानी का संकेत हो गया। इन्फॉर्मेशन साइन आपका ये वाला हो गया। मैंडेटरी साइन अनिवार्य संकेत, मैंने बताया ना कि जो अनिवार्य है, अनिवार्य का मतलब जैसे अगर ये वाला साइन, ये जो तीनों सिंबल है, ये तीनों किसके हैं, अनिवार्य के हैं, ये तीनों सिंबल अनिवार्य के, और ये चारों किसके थे, कॉशनरी के थे, सावधानी के थे। अनिवार्य का मतलब जहां ये किसका है, ये स्टॉप वाला है, अगर ये सिंबल बना हुआ है कहीं पे तो आपको रुक जाना है, और अगर ये सिंबल बना हुआ है तो गिव वे मतलब रास्ता दें, और यह सिंबल बना है तो ओवरटेकिंग निषेध, मतलब आपको ओवरटेक नहीं करना है। तो यह जहां पे सिंबल बना हुआ तो मैंडेटरी हो गया, अनिवार्य हो गया, मतलब आपको करना ही है। आप स्टॉप वाला है तो आपको रुकना है, रास्ता है तो आपको रास्ता देना पड़ेगा, और अगर ओवरटेकिंग वाला तो आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है। तो मतलब यह होता है मैंडेटरी साइन, जो आपको अनिवार्य होता है वो करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, विच फायर एक्सटिंग्यूशर यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। लिक्विड की बात कर रहा है ना, तरल की बात कर रहा है, लिक्विड की बात कर रहा है। और मैंने आपको बता रखा था जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, वो किसमें आता है, क्लास बी के अंतर्गत आता है। और उस आग को बुझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उस आग को बुझाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर की, जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है। किसका, ठीक है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ती है ना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, फोम टाइप वाला। ठीक है, हेलोन एक्सटिंग्विशर कहां पे यूज होगा, तो आपको मालूम है, देखिए फोम टाइप हो गया, किसके लिए होता है, क्लास बी के लिए होता है, क्लास बी के लिए होता है, मतलब लिक्विड के द्वारा जो आग लगती है। हेलोन एक्सटिंग्विशर हमारा तो यह लगता है किसमें, क्लास डी के लिए। क्लास डी मतलब बिजली के द्वारा जो आग लगी हो, बिजली के द्वारा आग लगी हो, या मेटल में जो आग लगी हो, उसके लिए यूज किया जाता है
हेलॉन एक्सटिंग्विशर या फिर सीटीसी या बी बताया था ना ब्रोमो क्लोरो डीफ्लोरो, ठीक है बीसीएफ या फिर सीटीसी। हेलॉन एक्सटिंग्विशर किसको, इसमें सीटीसी भरा हो सकता है या बीसीएफ हो सकता है, ब्रोमो क्लोरो डीफ्लोरो मेथेन। ड्राई पाउडर किसमें यूज किया जाता है, तो यह क्लास सी की आग के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए क्लास सी की आग के लिए, मतलब गैस में लगने वाली आग के लिए, किसके लिए गैस में लगने वाली आग के लिए। और वहीं पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर की, तो यह मैंने बताया था आपको कि यह क्लास बी के लिए भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है, लेकिन जब ऑप्शन में फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होगा तो हम इसको ही सही करेंगे, मेन हमारा फोम टाइप है, ठीक है। क्लास ए के लिए पानी का बौछार मैंने बताया था, बी के लिए फोम टाइप, सी के लिए ड्राई पाउडर, और डी के लिए सीटीसी कह लीजिए, बीसीएफ कह लीजिए, या उसी को हेलन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ए मेन हो गया आपका चारों। कभी कभी जब ऑप्शन में फोम एक्सटिंग्विशर नहीं है तो क्लास बी के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हमारा फोम एक्सटिंग्विशर है तो फोम एक्सटिंग्विशर वाला सही होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। देखिए जो फर्स्ट एड होता है ना प्राथमिक चिकित्सा, मैंने बताया था फर्स्ट एड किट बॉक्स में आपके मलहम पट्टी रखी देते ताकि कहीं पे छोटी मोटी चोट लगे या कहीं पे दुर्घटना हो तो पहले हम थोड़ी बहुत अपने आप ही अपनी सुरक्षा कर सकें, ठीक है। तो एबीसी के नाम से फर्स्ट एड में जाना जाता है। एबीसी का क्या मतलब होता है इसको हम लोग देखेंगे। जो पहला ए होता है इसका मतलब होता है एयरवे, या आपके कई बार एग्जाम वगैरह में मतलब कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, पहले का मतलब होता है एयरवे। दूसरा जो बी है, दूसरे बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। और जो तीसरा सी होता है, तीसरे सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, क्या होता है सर्कुलेशन। इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। तो यहां पे पूछा था प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है, ये किसको दर्शा रहा है, एयरवे को दर्शा रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा एयरवे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख भी लेते हैं कि एयरवे या ब्रीथिंग या फिर सर्कुलेशन क्या चीज है। एयरवे का मतलब है कि वायु मार्ग, वायु मार्ग मतलब कहीं भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले हमें मतलब एबीसी को फॉलो किया जाता है वहां, मतलब अगर आप प्राथमिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको एबीसी को फॉलो करना चाहिए। एबीसी के फॉलो करने का मतलब है कि सबसे पहले आपको ए वाला काम करना होगा, ए का मतलब एयरवे, एयरवे का मतलब वायु मार्ग, मतलब अगर कहीं पे दुर्घटना हुई है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि उस व्यक्ति को सांस लेने के लिए पर्याप्त वायु मार्ग उपस्थित है या नहीं। अब पर्याप्त वायु मार्ग का मतलब, कहने का मतलब है जब कहीं पे दुर्घटना होता है तो दुर्घटना जब मतलब आदमी को चोट लगती है ना तो उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, उस समय क्या होना चाहिए उसे प्रॉपर वायु मार्ग मिलना चाहिए जिससे वो आसानी से सांस ले सके। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब दुर्घटना होता है तो चारों तरफ से लोग उन्हें घेर करके खड़ा हो जाते हैं, कहीं पे दुर्घटना होता है तो खूब भीड़ लग जाती है, आप लोग देखते होंगे सड़क पे रोड पे कहीं भी है तो भीड़ लगती है तो लोग क्या करते हैं चारों साइड से ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो गए उसे घेर करके खड़ा हो गए। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जब घेर करके खड़ा होते हैं तो वहां पे वायु प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो वैसे ही चोट लगी हुई है उसे दिक्कत होगी सांस लेने में और सब लोग घेर करके आओ खड़ा हो गए तो वायु वहां पे प्रॉपर नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले फॉलो करना होता है एयरवे, मतलब उस मरीज को जिसकी दुर्घटना हुई है उसको जो है प्रॉपर वायु मार्ग मिल रहा है कि नहीं, हवा का रास्ता क्लियर है या नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले लोगों को समझाना चाहिए कि कृपया दूरी बना के रखें, यहाँ पे घेरा ना बनाए, इनके लिए वायु मार्ग प्रॉपर खुला रहने दें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वहां इकट्ठा, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, उन्हें वहां से हटाना है कि पहले यहाँ पे प्रॉपर हवा मिलती रहे, एयरवे प्रॉपर बना रहे। तो इसका मतलब ये हो गया एयरवे का मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, आपने सबको हटा दिया, अच्छे से हवा मिल रही, ठीक है। फिर दूसरा काम है ब्रीथिंग, कि आपको चेक करना है कि वह आदमी जो है वह सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। पहले तो आपने हवा चारों तरफ से हटा दिया सबको ताकि बढ़िया से हवा मिलती रहे जिससे वो सांस ले सके। फिर दूसरा काम है बी का मतलब ब्रीथिंग, कि आप चेक कीजिए कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना होगा, ब्रीथ सांस लेना। तो अगर वह सांस ले रहा है तो ठीक है, अगर नहीं ले पा रहा है सही से तो आप क्या करेंगे, एक दो प्रोसेस है, जैसे होता है ना कि सीने पे हाथ से दबाया जाता है जिससे कि मूवी वगैरह में आपने देखा होगा सीने पे हाथ से दबाते हैं, या फिर माउथ टू माउथ वाला होता है, ठीक है, वो मूवी वगैरह में सीन देखते ना कोई दिन डूब जाता है बाहर निकाल के हीरो हीरोइन को जो है माउथ से माउथ को सांस देने की कोशिश करता है, तो वो वाला भी प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। अगर आप किसी की चोट लगी हुई है आप देखते हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहा तो आप सीने पे थोड़ा दबा सकते हैं, नहीं तो हो सकता है यहाँ पे भी इंजरी हुई हो तो आप दबाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केसेस में माउथ टू माउथ भी उन्हें सांस देने की कोशिश की जाती है जिससे वो सांस ले सके। अगला है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब
ब्लड का संचरण, मतलब बॉडी में ब्लड का संचरण जो है बराबर हो रहा है या नहीं, सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो हाथ की नाड़ी को पकड़ करके। पहले के डॉक्टर वगैरह भी देखते थे, नहीं जाते हैं अभी, अभी भी होता है, जो पुराने डॉक्टर हैं आप जाओगे तो बुखार वगैरह है नहीं, तो क्या करते हैं आपकी हाथ की नाड़ी को ऐसे पकड़ते हैं और उसे मतलब ध्यान से उसको फील करते हैं, तो वो चेक करते हैं नाड़ी को पकड़ करके कि भाई यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सही है या नहीं है, तो उससे भी वो अंदाजा लगा लेते हैं बुखार वगैरह का। ठीक है, तो वही चीज है, सर्कुलेशन मतलब हम नाड़ी वगैरह हाथ का पकड़ कर चेक करेंगे ब्लड का सर्कुलेशन सही है या नहीं है। तो ये तीनों मतलब होता है क्या एबीसी का, किसमें? फर्स्ट एड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन सब चीजों को आप लोग नोट करते हुए चलिए, तभी मजा आएगा, तभी चीजें याद रहेंगी। जैविक कंपाउंड में बाकी एक चीज और मैं बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे ऐप पर पेड क्लासेज वगैरह ज्वाइन कर रखा होगा उन्हें ये सब चीजें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और अच्छे से लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, पहले भी बताता हूं कि भाई आप लोग आईटीआई कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कीजिए। अच्छे से कीजिए का मतलब है कि आप उसे पढ़िए, आप बुक से पढ़िए, आप अपने कॉलेज में जाकर के पढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे से पढ़िए, यहीं पे ज्वाइन करके पढ़िए, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे कॉलेज में जा करके चाहे खुद से, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करेंगे तभी आईटीआई कंप्लीट होने के बाद कहीं एक अच्छी नौकरी और जॉब को आप पाओगे और अपना घर का नाम रोशन करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, सबका होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई जरूर कीजिए। बाकी आप लोग जैसा जानते हैं हम लोग का प्ले स्टोर पे ग्लोबल आईटीआई ऐप भी अवेलेबल है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई कीजिए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कह रहा है जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए। देखिए यहाँ पर पहला जो लैंडफिल्स, लैंडफिल्स क्या होता है? लैंडफिल्स का मतलब होता है जो हमारी वेस्ट मटेरियल है। देखिए वेस्ट मटेरियल के बारे में बात करो कि वेस्ट मटेरियल को हम किस हिसाब से यूज करें, तो यहाँ पे पूछा है कि वेस्ट मटेरियल क्या, कि हम उसे खाद के रूप में यूज कर पाए। तो खाद के रूप में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो पहले हम सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है लैंडफिल्स, लैंड का मतलब जमीन होता है, लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। फिल्स का मतलब भर देना, मतलब जमीन में भर देना। आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है आप क्या करोगे, जमीन में गड्ढा करोगे, जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें सारे वेस्ट मटेरियल भर दोगे, फिर उस जमीन को ढक दोगे, तो एक तरीका यह होता है। तो जब आप वेस्ट मटेरियल को जमीन में गड्ढे खोद करके उसमें दफना देते हैं तो उसको बोला जाता है लैंड फिल्स। लैंड मतलब जमीन और फिल्स का मतलब भर देना, कि हमने वेस्ट मटेरियल को जमीन में भर दिया। लेकिन यह थोड़ा सा खर्चीला होता है, खर्चीला का मतलब है कि जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसके लिए हमारे पास जमीन होनी चाहिए। आप जमीन की खुदाई करोगे और उसमें क्या करोगे, उस मटेरियल को ढक दोगे, उसमें डाल दोगे, तो इसके लिए जमीन होना जरूरी है ना। तो आजकल जमीन बहुत महंगी हो गई है, तो बड़ा खर्चीला काम हो जाता है। उसके बाद अगला है रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग जो होता है ना, यह सबसे अच्छा साधन माना जाता है वेस्ट मटेरियल के लिए, जिससे हमारे ऊर्जा की भी बचत होती है, संसाधन का भी बचत होता है। ठीक है, रिसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग मतलब उस चीज को हम दोबारा यूज कर पाए। रिसाइक्लिंग का मतलब क्या, किसी वेस्ट मटेरियल को दोबारा यूज कर पाना। आप देखते हैं ना कि गांव वगैरह में भी, जैसे आपके घरों पे सबसे सिंपल सा आप एग्जांपल ले लीजिए कि जो बैटरी वगैरह होती है, बैटरी आपने देखा होगा, इन्वर्टर की बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो, तो फिर गांव में घूमते रहते हैं बैटरी को खरीदने वाले के लिए, पुरानी बैटरी बेच दीजिए, ठीक है 2500-3000-4000 जो भी दे देते हैं। तो फिर पुरानी बैटरी को ले जाकर करते क्या, ऐसा तो नहीं कि वो ले जाकर अपने घर पे चलाते हैं, वो पुरानी बैटरी इसलिए खरीद के ले जाते हैं, फिर वो किसी दूसरे को बेच देंगे। वहां पे कंपनी वाले क्या करते हैं, जैसे बैटरी में भाई ऊपर प्लास्टिक का कवर हो गया, अंदर उसकी प्लेटें हो गई, तो प्लास्टिक का जो ऊपर का कवर हो गया उस प्लास्टिक को पिघला करके प्लास्टिक के बर्तन बना देंगे, या फिर और भी जो मतलब लैपटॉप है, मोबाइल है, किसी भी चीज का जो प्लास्टिक के कवर आते हैं, तो प्लास्टिक को पिघला करके उस प्लास्टिक का जो बैटरी का प्लास्टिक था ना, उसको पिघला करके कोई नया प्लास्टिक बना देंगे और फिर वो दोबारा मार्केट में आ जाएगा बिकने के लिए। और जो बैटरी के अंदर प्लेटें हैं उन प्लेटों को पिघला करके उनसे वो फिर नई प्लेटें बना लेंगे या कुछ और बना देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो एक बार बैटरी हमने यूज किया उसको पिघला करके उन्होंने दोबारा उसको यूज के लायक बना दिया, उसके प्लास्टिक से कुछ और बना दिया, कुछ बर्तन बना दिए, अंदर की प्लेट से नए प्लेट बना दिए, तो इस तरह से उसका हम लोग दोबारा यूज कर पाए। तो यह रिसाइक्लिंग के अंतर्गत आता है कि किसी चीज को हम दोबारा से यूज कर पाए उस चीज का। ठीक है, इसीलिए जो मतलब देखते हैं ना कोई भी मटेरियल प्लास्टिक व्लास्टिक लोग खरीद करके ले जाते हैं, उसीलिए ले जाते हैं जो एक कबाड़ी वाले होते हैं, वो प्लास्टिक या फिर जो लोहा होता है पुराना लोहा ले जाते हैं, ऐसा नहीं उस लोहे को पेंट करके बेच देते, वो लोहा जो पुराना भी होता है खरीद के ले जाते हैं, इसीलिए ले जाते हैं, उसको पिघला करके फिर उसका नया लोहा बना दिया जाएगा, तो वो सब रिसाइक्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। कंपोस्टिंग क्या होता है, देखिए कंपोस्टिंग है, आप लोगों ने जब हाई स्कूल तक पढ़ा होगा तो क्लास 6 वगैरह में पहले कृषि विज्ञान भी हुआ करता था, कृषि विज्ञान में कंपोस्ट खाद आप लोगों ने सुना रहा होगा। तो कंपोस्टिंग में ही होता है कि जिस वेस्ट मटेरियल को हम खाद के रूप में यूज करते हैं, किसके रूप में, खाद के रूप में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि खाद के रूप में किसमें, कंपोस्टिंग के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको खाद के रूप में बनाते हैं, उन्हें फिर हम खेतों में यूज करते हैं।
अगला है बर्निंग वेस्ट मटेरियल, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को जलाना। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको जला करके भी उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे ढेर सारा कागज होता है, आप उसे जला देते हो, छोटी सी राख बन जाती है, थोड़ी सी, इतना सारा कागज आप उसे जला दो, थोड़ा सा राख बनेगी। तो इस तरह से आपने उस वेस्ट मटेरियल का भी निपटारा कर लिया। तो यह जला करके भी हम वेस्ट मटेरियल को निपटा सकते हैं, उसका निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए। ठीक है, प्लास्टिक की बात कर रहा है, आपको याद होगा तो देखिए मैंने आपको हल्का सा ट्रिक बताया था, उससे सारा तुरंत प से प्लास्टिक और प से पीला तुरंत बता दोगे आप, ऑप्शन डी सही है। तो इसे थोड़ा याद रहेगा ना, बाकी लाल तो मैंने बताया था, लाल वाला कौन सा होगा, धातु गर्म करते हैं तो वह लाल हो जाती है, मतलब यह मेटल के लिए, धातु के लिए। ठीक है, हरा, हरा किसके लिए, कांच के लिए, इसको याद रखना आप, और नीला किसके लिए है, कागज के लिए, मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।